लॉकडाउन के दौरान आर्थिक समस्या और विषम परिस्थिति से जूझ रहे मजदूर परिवार की चिंता में गुजरात से 12 मजदूर सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा कर खरगोन जिले के पीपलगोन पहुंचे। सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा कर घर के लिए निकल पड़े ताकि इस विकट परिस्थिति में घर पहुंचकर अपने परिजनों के बीच समय बिता सकें। यहाँ लगभग 4 दिनों की लंबी यात्रा के बाद मजदूर अपने गांव पीपलगोन लौटे। यहाँ मजदूरों के आने की जानकारी मिलते ही पंचायत द्वारा उन्हें छात्रावास में क्वारंटाइन किया गया था। पीपलगोन से सलीम खान की रिपोर्ट। गुजरात से कहाँ से आए? अहमदाबाद है नी। ये अहमदाबाद से आए हैं और लॉकडाउन करने के लिए स्कूल में जा रहे हैं। अभी उतर के स्कूल में जाएंगे। कितने दिन के लिए? 14 रोज के लिए। इनका प्राथमिक उपचार हो गया, जांच हो गई? जांच हो गई। यहाँ से करवा के लाए हैं। अभी हमारे उपचार करेंगे। अब आप यहाँ देखो, इनके खाने पीने की व्यवस्था सब पंचायत करेगी। पंचायत करेगी। क्या नाम है आपका? अजय कुमार जोशी। तो कहीं कपड़ा थोड़ी लाएगा, झोला उठाया कहीं काम दबाव से काम। कहाँ से आप? अहमदाबाद काम कर रहे थे। वहाँ से आप कहाँ से आए? कौन से वाहन से आए? इधर आए और बाटर से गाड़ी निकला। पैदल आए? बॉर्डर से गाड़ी तो बॉर्डर से रास्ते में तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है। इधर से बॉर्डर से इधर तो अच्छा आ गए, उधर से थोड़ा तकलीफ। कौन सी गाड़ी लेके गए सर? का अपने प्राइवेट वाहन से आए? हाँ, प्राइवेट वाहन से आए थे, पर वो गाड़ी इधर की थी, खरगोन की। छोड़ने आए था? छोड़ने से कुछ नहीं लिए। पैसे नहीं लिए? तो गाड़ी की व्यवस्था कितने करी थी सरकार ने? किराए थे। कितने मजदूर? टोटल कितने मजदूर आए थे? 6 हम 8 जन पीछे से आए थे, 8 जन आगे आ गए थे। 8 जन आएगा, 4 रहे आज 12 बजे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।